माओवाद की खोखली विचारधारा को त्याग कर कटे कल्याण एरिया में सक्रिय 4 इनामी माओवादी सहित 28 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। ये माओवादी कई बड़ी वारदातों में रहे हैं शामिल। पुलिस द्वारा चलाए है नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 इनामी नक्सली समेत 28 नक्सलियों ने चिकपाल में खुले नवीन कैंप में जवानों के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी माओवादियों ने कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल कैंप में पूर्व समर्पित नक्सली राजू मिडकोम उर्फ राजू के प्रभाव से मुख्यधारा में जुड़ने के पश्चात आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 26 नवंबर प्लाटून सदस्य मंगलू 2 लाख का इनामी, बामन कवासी कटे कल्याण LOS सदस्य 1 लाख इनामी, हांदा LGS सदस्य 1 लाख इनामी, पोड़ी यामी गंगी CNM कमांडर 1 लाख इनामी शामिल है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। आत्मसमर्पित सभी जन मिलिशिया सदस्यों का मुख्य कार्य माओवादी लीडरों के गांव में आने जाने के दौरान उनके लिए भोजन व्यवस्था करना, गांव वालों को माओवादियों द्वारा आयोजित मीटिंग में बुलाना, माओवादी लीडरों को एक गांव से दूसरे गांव तक सुरक्षित पहुंचाना, पुलिस पार्टी की रैकिंग करना, माओवादियों के लिए आवश्यक दैनिक उपयोग की सामग्री का व्यवस्था करने का काम रहता था। ग्राम में आज 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें की 4 इनामी नक्सली हैं। मिडकॉम और मड्डा के जो 3 दिन पहले सरेंडर हुए थे, उसके बाद जो चिकपाल में जो कैंप हमारा लगा है उसके संपर्क में आने के बाद जो भी नक्सली मिलिशिया थे, संगम सदस्य थे, PNM सदस्य थे, उन लोगों ने मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा जताई और पुलिस के साथ कोऑपरेट करने की बात कही। आज प्रशासन के साथ पुलिस वहाँ पहुँची और जो कि शासन के विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे कि नरेगा के कार्यक्रम हुए, पेंशन का हुआ, आवास का हुआ, रोजगार के हुए, स्वीकृत किया गया। और जितने मिलिशिया सदस्य हैं वो लोग स्व सहायता समूह बना के जो अपने चिकपाल के विकास में जुड़ने के लिए तैयार हुए और मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार हुए। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के हिसाब से 10,000 का इनाम जो है की राशि जो है उनको उपलब्ध कराई जा रही है। निश्चित रूप से चिकपाल, मारजूम, जंगमपार, बड़ेगारम के लोग जिस तरह सरेंडर हो रहे हैं कटे कल्याण थाना क्षेत्र में, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से कटे कल्याण एरिया कमेटी कमजोर।